रही है हिमाचल से। वहां शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन तेज कर दिया है। शिमला में सैकड़ों लोग सुबह से ही सड़कों पर उतरे हैं और जमकर नारेबाजी की है। हिंदू संगठनों ने, देखिए तमाम जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, इस मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को गिराने की मांग कर रहे हैं और लगातार उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच आप देखिए लाठी चार्ज पुलिस ने किया है। मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने की मांग कर रहे हैं शिमला में। ये हिमाचल से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, संजौली इलाके की ये तस्वीर है। मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन काफी तेज कर दिया है। पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। शिमला में सैकड़ों लोग सुबह से ही सड़कों पर उतरे हुए हैं, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और जितने भी हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं वो इस मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को गिराने की मांग कर रहे हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन उनका चल रहा है। तो शिमला में अभी कुछ ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं कि शिमला में माहौल कितना गर्म हो चुका है और एक मस्जिद जो कि अवैध तरीके से बनाया गया, अवैध निर्माण कहकर मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इसको हटाया जाए। काफी ज्यादा हंगामा शिमला में अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहा है और यहां पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। हिंदू संगठन की तरफ से एक तरफ मांग की जा रही है, स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश तो हो रही है लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल है मामला और इसलिए यहां लाठी चार्ज पुलिस को करना पड़ा। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं, हाथापाई करते काफी ज्यादा संख्या में हिंदू संगठन के लोग यहां पर पहुंचे हैं और उनकी मांग है कि एक मस्जिद है यहां पर जो कि अवैध तरीके से इसका निर्माण हुआ है, उसको हटाया जाए जल्द से जल्द। इसी बात के आक्रोश में, गुस्सा में तमाम जो लोग हैं वो यहां पर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी पुलिस की तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश तो चल रही है स्थिति को लेकिन अभी कुछ भी वहां पर ठीक नहीं हुआ है। काफी फोर्सेस मौके पर मौजूद हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तक तोड़ दी है, झड़प भी पुलिस के साथ हुई है प्रदर्शनकारियों की। कई फोर्सेस को और भी बुला दिया गया है इन्हें कंट्रोल किया जा सके ताकि हंगामा यहां पर देखने को मिल रहा है। मस्जिद गिराने की मांग हो रही है शिमला में। अवैध मस्जिद मामले में हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। हिंदू संगठन अवैध निर्माण को गिराने की मांग कर रहे हैं। शिमला पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संजौली पहुंचने से रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग लगा रखे हैं। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस लाठीचार्ज करके प्रदर्शनकारियों को खदेड़ रही है। शिमला की ढली सब्जी मंडी और टनल के बीच काफी सैकड़ों प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। इसी टनल से मस्जिद का रास्ता है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जिसके चलते संजौली ढली सड़क पर यातायात ठप हो गया है। संजौली में पुलिस ने हिंदू जागरण मंच के नेता को हिरासत में ले लिया है। हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि उनके एक दर्जन नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन से इलाके में निगरानी रखी जा रही है। ढली टनल के पास आवाजाही बंद कर दी गई है लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए और साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से धारा 163 लागू कर दी गई है। धारा 163 जो पहले धारा 144 हुआ करता था लेकिन जब तीन नए क्रिमिनल कानून पास हुए उसके बाद जो धारा 144 है वो अब धारा 163 के नाम से जाना जा रहा है। यानी कि इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है और 163 के तहत भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं इकट्ठा हो सकती एक जगह, जिसकी वजह से पुलिस जो है तमाम प्रदर्शनकारियों को खदेड़ रही है लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। सुबह 7 बजे से ही इस तरह के प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाई दे रही थी और अब 12 बज चुके हैं, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है और कई लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं लेकिन कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस की तरफ से कोशिशें लगातार जारी हैं। तमाम जो ऑफिसेज हैं सरकारी हो या प्राइवेट, स्कूल, बाजार पूरी तरह से खुले रहेंगे। किसी भी व्यक्ति को धरना प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है।
लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है फिलहाल। और ये देखिए झड़प की तस्वीर आप देख रहे हैं शिमला से। 2010 में शुरू हुआ विवाद, संजौली में मस्जिद का निर्माण 1947 से पहले हुआ था, तब मस्जिद की बिल्डिंग कच्ची थी। 2010 में पक्की बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हुआ। 2010 में नगर निगम के पास अवैध निर्माण की शिकायत पहुंची थी। इसे लेकर 2010 से कमिश्नर कोर्ट में केस चल रहा है। इसके बाद 2024 तक यहां 5 मंजिला का निर्माण हो गया। नगर निगम अब तक 35 बार अवैध निर्माण रोकने के आदेश जारी कर चुका है। 2023 में निगम ने मस्जिद के शौचालय तुड़वा दिए थे। और अब देखिए हिंदू संगठन की तरफ से किस तरह प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे मामले ने तूल कैसे पकड़ा ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। 31 अगस्त की शाम को दो गुटों में मारपीट हुई थी। समुदाय विशेष के लोगों ने स्थानीय व्यक्ति को पीटा था। पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 6 आरोपी गिरफ्तार किए। बीते 1 और 5 सितंबर को प्रदर्शन कर चुके हिंदू संगठन मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग कर रहे थे। और उसके बाद अब देखिए ये मांग आज यानी कि 11 सितंबर तक कितनी ज़्यादा उग्र हो चुकी है। सिंचौली की ये तस्वीर आपको दिखा रही हैं। मारपीट के विरोध में हिंदू संगठन भड़क गए हैं। उन्होंने संजौली में 1 सितंबर और चौड़ा मैदान में 5 सितंबर को प्रदर्शन किया। इसके बाद 7 सितंबर को कमिश्नर कोर्ट में 45वीं बार सुनवाई हुई। यहां वक्फ बोर्ड ने कोर्ट को मालिकाना हक के दस्तावेज जमा कराए। कोर्ट ने इस मामले में 5 अक्टूबर को सुनवाई तय की है और संबंधित कनिष्ठ अभियंता को फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा भी गया है। 5 अक्टूबर तक इंतजार करना था लेकिन उसके पहले प्रदर्शन की ये तस्वीर देखिए। 5 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई एक बार फिर से होनी थी लेकिन उसके पहले ही प्रदर्शनकारी उग्र हो गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्सा आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। बिना मंजूरी के 5 मंजिला मस्जिद बना दी गई, आरोप ये लगाए जा रहे हैं हिंदू संगठन की तरफ से। संजौली के पौश इलाके में बिना अनुमति और नक्शा पास किए बगैर 5 मंजिला मस्जिद बना दी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने आते हैं और उनके कुछ घरों में ताक झांक करते हैं। 73 साल के कई ऐसे जो लोग हैं वो भी अपने अनुभव को साझा कर रहे थे। इन सब के बीच बता दें कि अभी भी प्रदर्शन जारी है। और साथ ही हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सुक्खू ने कहा है कि प्रशासन हर चीज को देख रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर कोई रोक नहीं है। शायद इतनी शांति अभी तक यहाँ पर नहीं होती, पथराव होता और आपने आज तक देखा भी। चाहे पश्चिम बंगाल के हाल आप देख सकते हैं, आपके पास जीता जाता उदाहरण है किस तरीके से अभी बांग्लादेश में सिचुएशन अकर हुई है। मेरा सीधा सा कहना है कि हम क्या गलत कह रहे हैं। हम अपनी जो भूमि जो इन्होंने कब्जा कर ली है उस चीज की हम डिमांड रख रहे हैं और पुलिस प्रशासन हमारे साथ किस तरीके से रवैया अपना रही आप देख सकते हैं। चाहे वो महिलाएं, देखिए मैं ज्यादा कुछ कहने नहीं चाहूंगी, मैं बस ये कहना चाहूंगी कि प्रशासन इस वक्त सो रहा है, सुक्खू सरकार सो रही है। सुक्खू देख सकते हैं यहाँ से वाटर कैनन के प्रयोग के लिए अब पूरी तरह से प्रशासन तैयार है। अब वाटर कैनन यहाँ से भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए पूरी तरह से तैयार अब पुलिस के जवान लग रहे हैं।